गुड मॉर्निंग एवरीवन। मुंबई में फिर से बारिश शुरू हो गई है। चाय बन गई है क्या? आ क्या चाय बना है यार, कितना अच्छा खुशबू आ रही है। नहीं बहुत अपने अच्छा जो मसाला दिया ना उसका खुशबू बहुत अच्छा आ रहा है। आप चाय पी के एकदम तरोताजा फील करूंगी, उसके बाद जाऊंगी इस किचन की क्लीनिंग में। तो एक चाय पियो। गरम गरम बड़ा आज ब्रेकफास्ट में। हस्बैंड के हाथ की चाय पीकर अब मैं तरोताजा फील कर रही हूँ और सुपरमैन शक्तिमान बन चुकी हूँ, क्योंकि आज मुझे करना है अपने किचन को क्लीन, सफाई करना है। ओके, मैं ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी हूँ अपने सामान को लेकर, अपने क्लीनिंग आइटम को लेकर। सो पहला जो है ये मेरा होममेड, मैंने खुद बनाया है ये क्लीनिंग सॉल्यूशन या लिक्विड है, स्प्रे। तो इसमें क्या क्या है मैं बता देती हूँ। इसमें वाटर है, आपका विनीगर है एंड बेकिंग सोडा है, और थोड़ी सी 3-4 बूंद एसेंशियल ऑयल है खुशबू के लिए, एंड क्लॉथ, ड्राई क्लॉथ एंड गीला क्लॉथ। इसमें थोड़ा सा वाटर, उसमें डिश वॉश डाली है जिससे एकदम जो स्टिकी ऑयली जो थिंग है इसमें लगा हुआ है दीवार में वो सब निकल जाए। एंड स्क्रब तो होना ही चाहिए, ये वाला एक स्क्रब है एंड दूसरी वाला स्क्रब। बस मैं रेडी हो चुकी हूँ। सो टाइम वेस्ट ना करके लग जाती हूँ काम पे। सबसे पहले अभी करूंगी अपना ड्रेस को चेंज। पता
जिस तरह ऊपर का जो दीवार है वो अच्छे से क्लीन हो चुका है, अब इस फ्लोर को भी अच्छे से मैं क्लीन करूंगी सेम सॉल्यूशन। इससे क्या होता है, जब तक किचन में जो एक्स्ट्रा ऑयलीनेस स्टिकीनेस जो रहता है वो निकल जाता है। ये सुपर सॉल्यूशन है, वेरी गुड। सी कितना अच्छा क्लीन हो गया है, आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड, गुड। सो अभी मेरा साइड का दीवार ये जो पार्ट है क्लीन हो गया है। ऑलमोस्ट डन हो चुका है, तो मैं अच्छे से इसको क्लीन कर दिया है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। एक सरप्राइज है, ये देखिए मैंने क्लीन किया है, कैसे लग रहा है? क्या यूज किया? थोड़ा इधर साफ करूंगा। क्या रह गया? मुझे डर लगता है वहाँ पे मुझे करंट न मिले ना, करंट कैसे मिलेगा, स्विच बंद है। ठीक है, आप फाइनल टच दे दो, लेकिन है ना जबरदस्त क्लीन हुआ ना, एकदम ऐसा लगता है न्यू फ्रेश किचन वॉल। हाँ हाँ हो गया है, देख लो ये नीचे का भी बेस देखिए कितना क्लीन हो गया। लंच का वक्त हो चुका है और मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि साफ सफाई से थोड़ी बहुत ज़्यादा ही टाइम चला गया है। सो इसलिए मैं क्विक एंड वेरी टेस्टी एंड वेरी हेल्दी रेसिपी बनाने वाली हूँ, और वो है दलिया की खिचड़ी। दलिया की खिचड़ी सुपर टेस्टी डिलीशियस एंड हेल्दी होते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पड़ता है, सिर्फ आपकी मूंग दाल, दलिया और नॉर्मल स्पाइसेस बस। खिचड़ी के साथ हम इंडियन कुछ ना कुछ भाजा खाते हैं, मतलब फ्राई खाते हैं, और बंगालीज का फेवरेट है आलू भाजा, मतलब आलू फ्राई और बैगन फ्राई। बैगन भाजा बा बैगन फ्राई सुपर कॉम्बिनेशन है आपकी कोई भी खिचड़ी के साथ। ये बैगन भाजा को हम लोग इंग्लिश में एक प्लांट फ्राई भी कहेंगे। देखिए 10 मिनट में ये बैगन भाजा बा बैंगन फ्राई बन चुका है, डिलीशियस है, सुपर इजी है और मेरा फेवरेट है।